नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल फूड विद टिप्स में। आज हम आपको मूली के पराठा बनाने बताने जा रहे हैं, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होता है फ्रेंड, और ये बनाना भी बिल्कुल आसान है। तो चलिए मूली के भरे हुआ पराठा बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये दो मूली ली है, ये आधा किलो मूली है, जिसे हम छीलेंगे और इसे ग्रेट करेंगे। तो सबसे पहले इसे ग्रेट करेंगे। ग्रेट करने के बाद इसे हम 5 मिनट के लिए नमक लगा के रख देंगे। ग्रेट किया हमने, उसमें थोड़ा सा नमक डाला, मिक्स किया अच्छे से, उसको रख देंगे, फिर वो पानी उसमें से रिलीज़ हो जाएगा। उसको अच्छे से निचोड़ देंगे। निचोड़ने के बाद हम मूली ले लेंगे। तो सबसे पहले हम मूली को घिस लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, हमने दोनों मूली को अच्छे से धुला और छीला, उसके घिस लिया। घिसने के बाद हमने इसे 5 मिनट पानी में नमक लगा के रख दिया था, नमक डाल के मूली में उसे हमने रख दिया था। रखने के बाद ये हमारा इस तरह से मूली तैयार है। ये देखिए बिल्कुल एक एक मूली अलग अलग है, क्योंकि इसने पानी छोड़ दिया था, तो हमने इसे अच्छे से निचोड़ दिया है। तो इस तरीके से बिल्कुल सूखा मूली हमारा रेडी है। तो इसके लिए सबसे पहले आटा गूंथेंगे, उसके बाद हम इसमें नमक मिर्च मिलाएंगे। अगर ऐसे हम मिला देंगे तो फिर से ये पानी छोड़ देगी, तो इसे हम साइड में रखेंगे, सबसे पहले आटा गूंथेंगे। तो फ्रेंड, एक बड़ा बर्तन लेंगे, उसमें हम गेहूं का आटा लेंगे। तो यहाँ पे हम 1 कप गेहूं का आटा ले रहे हैं। आटे में हम थोड़ा सा नमक डालेंगे फ्रेंड, आधा चम्मच करीब। आधा चम्मच अजवाइन डालेंगे, इसे थोड़ा सा क्रश करेंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और इसका फ्लेवर अच्छे से आ जाता है। तो इसमें हम थोड़ा सा अजवाइन भी डालेंगे, आधा चम्मच। अब इसमें हम 2 चम्मच करीब तेल डालेंगे फ्रेंड, मोयन, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इससे हमारे पराठे बहुत ही खस्ता बन के रेडी होंगे। तो हमने 2 चम्मच मोयन डाला और इसे मिक्स किया। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और आटा गूंथ के रेडी करेंगे, जैसा कि हम रोटी चपाती का आटा गूंथते हैं। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें आटा गूंथना है। आटा ज़्यादा सख्त भी नहीं चाहिए और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं चाहिए, मीडियम चाहिए। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और आटा गूंथ के रेडी करेंगे। तो फ्रेंड, आटा हमारा गूंथ गया है, ये देखिए रेडी हो गया है। इतना आटा गूंथने में हमें पूरा आधा कप पानी लग गया है 1 कप आटे में, और ये इस तरह से सॉफ्ट होना चाहिए फ्रेंड। बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा तो हमारा पराठा जो है फटेगा नहीं। तो हमने आटा गूंथ लिया, इसे हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जब तक ये थोड़ा सा फूल रहा है, तब तक हम इसके भरने की सामग्री स्टफिंग तैयार कर लेंगे, इसे साइड में रखेंगे। तो फ्रेंड, ये हम मूली में अब थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 1 चम्मच हम चाट मसाला डालेंगे, ज़्यादा मसाले नहीं ऐड करेंगे। आधा चम्मच नमक डालेंगे, 1 इंच अदरक का टुकड़ा हमने घिस के लिया है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर मिलता है फ्रेंड पराठों में। 2 हरी मिर्च हमने काट के लिए है, ये डालेंगे। थोड़े से हरे धनिया के पत्ते डालेंगे, जिससे कि बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा पराठे में। ज़्यादा मसाले हम नहीं ऐड करेंगे। तो ये सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर भी थोड़ा सा डाल लें, वरना ये ऐसे ही बनाए, बहुत ही टेस्टी पराठे बन के रेडी होते हैं। तो सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और नमक मिलाने के बाद अब हम छोड़ेंगे नहीं, वरना पराठे बढ़ते समय हमारे फट जाएंगे, क्योंकि मूली फिर से अपना पानी छोड़ देगी। तो अब हम इस मसाले को मिलाएंगे और फटाफट पराठे भर के रेडी करेंगे। तो हमारा स्टफिंग भी रेडी है, चलिए पराठे बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, चलिए पराठे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आटे को उठाएंगे और इसे एक बार अच्छे से मसल लेंगे। इस तरीके से ये देखिए हमने मसल लिया, और इसमें से अब हम देखेंगे कितने पराठे हम बना सकते हैं। तो ये नींबू के आकार की हम लोई तोड़ेंगे, ये देखिए इस तरीके से। इतने आटे में, 1 कप आटे में 5 से 6 पराठे बनके रेडी हो जाएंगे।
ये देखिए फ्रेंड, हम पांच पराठे बनाएंगे। हमने पांच लोई तोड़ लिया है, तो अब चार को हम साइड में रखेंगे, एक उठाएंगे और इस तरीके से गोल करेंगे। इसमें थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे, इस तरीके से फैला लेंगे। मूली की स्टफिंग बनाई थी वो डालेंगे फ्रेंड यहाँ पे। तो दो से तीन चम्मच स्टफिंग यहाँ से आराम से हम भर सकते हैं। इस तरीके से, और ये उठा के हम इस तरीके से गोल करेंगे, इसे दबाते हुए इस तरीके से हम इसे बंद करेंगे। ये देखिए और अब हम इसे दबा देंगे इस तरीके से। फिर से इसमें हम सूखा आटा लगाएंगे और इस तरीके से हम साइड साइड दबाते हुए इसे थोड़ा सा बड़ा करेंगे। इससे हमारे पराठे फटते नहीं हैं, तो इस तरीके से हम, ये देखिए हमने बड़ा कर लिया फ्रेंड। और अब हम इसे बेलेंगे। तो बेलते समय हमें ध्यान रखना फ्रेंड, साइड साइड में हम बेलेंगे, बीच में दबाव नहीं डालना, हमें साइड साइड में दबाव डालना। इस तरीके से बेलन से साइड साइड में हम घुमाते हुए बेल लेंगे। एक बार सूखा आटा और लगा लेंगे और इस तरीके से साइड साइड में दबाते हुए हमें बेलना है। जितना बड़ा पराठा आप खाना चाहें उतना बड़ा कर लीजिए। पराठा तो थोड़ा मोटा ही होता है, तो हम इसे बेल लेंगे। तो फ्रेंड इस तरीके से साइड साइड में दबाते हुए हमें पराठे को बेलना है। ये देखिए हमने ये साइड साइड में दबा के बेला है और बीच में हमने नहीं दबाया है। एंड में हम थोड़ा सा इस तरीके से बीच में दबा देंगे और पराठे बिल्कुल इक्वल बन के रेडी होंगे। तो पराठा हमने बेल लिया, चलिए अब सेकते हैं। उसके लिए हम एक तवा गर्म करेंगे फ्रेंड। तवा हमारा गर्म है, हमने पहले ही रख दिया था, तो हम इस पर पराठा डालेंगे और इसे थोड़ा सा गर्म होने देंगे। अब हम इसे पलटेंगे फ्रेंड इस तरीके से। देखिए हमारा पराठा थोड़ा सा पक गया है। अब हम यहाँ पे तेल लगाएंगे या घी लगाएंगे अच्छे से। इस तरीके से हमें चम्मच से तेल लगाना है, चारों तरफ घुमाते हुए अच्छे से लगा देंगे पराठों के ऊपर। पराठे के ऊपर अच्छे से तेल लगा दिया हमने, ये देखिए। और अब हम इसे फिर से पलटेंगे फ्रेंड इस तरीके से। ये देखिए इधर भी हमारे पराठा सिक गया है, तो इधर भी हम तेल अच्छे से लगा देंगे चारों तरफ इस तरीके से घुमाते हुए। ये देखिए, और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हमें सेकना है। ये देखिए एक तरफ से सिक गया है, ये इसी तरीके से पलट पलट के हमें गोल्डन ब्राउन करना है पराठे को। तो जब तक ये पराठा हमारा सिक रहा है फ्रेंड, तब तक हम दूसरा पराठा बेल के रेडी करेंगे और इसे सिकने देंगे। इसका ध्यान रखेंगे हम, नहीं तो ये पराठा हमारा जल जाएगा। तो इसका ध्यान रखते हुए हम दूसरा पराठा बेल लेते हैं। इधर भी हम फिर से आटा लेंगे, सूखा आटा थोड़ा सा लगाएंगे फ्रेंड और इसे थोड़ा सा बड़ा करेंगे, जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको। तो यहाँ पे दो तीन चम्मच हम स्टफिंग डालेंगे, स्टफिंग अच्छे से भरेंगे ताकि पराठे खाने में टेस्टी लगे इस तरीके से। और अब हम इसे बंद करेंगे। तो फ्रेंड इस तरीके, जैसा कि मैंने बताया था, गोल करते हुए हमें बंद करना है इस तरीके से। ये देखिए पराठा हमारा बंद हो गया, गोल गोल घुमाते रहेंगे और ये बाद में हम इसे इस तरीके से दबा देंगे। ये देखिए दूसरा पराठा भी रेडी है। अब इसमें सूखा आटा लगाएंगे। ये देखिए सूखा आटा इस तरीके से फ्रेंड साइड साइड में हम दबाते रहेंगे। ये देखिए उंगलियों और इसके बीच में हम ऐसे दबाएंगे साइड साइड में। इस तरीके से करने से पराठा हमारा फटता नहीं है, इक्वल बन के तैयार होता है। अब हम इसे बेलेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया, हमें बीच में नहीं दबाना फ्रेंड, साइड साइड में दबाना है। इस तरीके से दबाते हुए हमें गोल 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 करके पराठा बेलना है। थोड़ा सा आटा लगाएंगे और उसी तरीके से हमें बेल के रेडी करना है।
तो फ्रेंड इस तरीके से साइड साइड घुमाते हुए हमें पूरे पराठे को बेलना है। ये देखिए गोल गोल इस तरह से घुमाएंगे और पूरा पराठा बेल के रेडी करेंगे। एंड में हम इस तरीके से बीच में दो बार घुमा देंगे, ये देखिए, और हमारा पराठा बेल गया। तो चलिए इसे भी सेक लेते हैं, हम तवा पे डालेंगे। दो मिनट रुकेंगे, तो फ्रेंड थोड़ी देर बाद हम इसे पलट देंगे। ये देखिए इधर सफेद थोड़ा सा चित्ती आ गई है। अब हम इसे तेल लगाएंगे पूरे पराठे पे, इस तरीके से अच्छे से तेल लगाना है। तो चारों तरफ हम घुमाते हुए तेल लगा देंगे चम्मच से, ये देखिए, और इधर भी पलट देंगे, इधर भी तेल लगाएंगे इस तरीके से चारों तरफ। पलट देंगे फिर इस तरीके से, हमें गोल्डन ब्राउन होने तक पराठा सेकना है। इसी प्रकार से सारे पराठे बना के हम रेडी करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, ये मूली का पराठा है इसलिए फूलता नहीं है, क्योंकि इसमें हमने मूली की स्टफिंग ऐसे ही भरी है, तो ये फूलेगा नहीं। इसी प्रकार से सारे पराठे हम बना के रेडी करेंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक हमें पलट। फ्रेंड ये देखिए मूली के मूली स्टफिंग पराठे तैयार हैं और बहुत ही जल्द बन जाते हैं। इसे चाय के साथ या सब्जी या चटनी के साथ सर्व कीजिए, बहुत टेस्टी लगते हैं फ्रेंड। तो प्लीज़ मूली के पराठे बनाइए, खाइए, सर्दियों में एंजॉय कीजिए। ऐसे ही नई डिश के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।